हो पार्ट टू। ये मटका उसे लेके दिल्ली तक पार्ट टू होने वाला है। हमारी ट्रेन गोवा पहुंच चुकी है, वो ये 10 मिनट लेट पहुंची और ये 10 मिनट यहाँ पे खड़ेगी। चलिए हैं अब आपको यहाँ अंदर जाएंगे हम, और इसके बाद हम आपसे आपको सीधा डिपार्चर दिखाते हैं। ये देखिए हमारी ट्रेन 10 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे, चलिए अंदर चलते हैं। गाइस ये मटगांव से डिपार्चर हो रहा है, आप डिपार्चर देखें। गाइस अब इसका सीधा स्टॉप आएगा रत्नागिरी। गाइस अब सीधा स्टॉप आएगा इसका 6 घंटे के बाद 1:25 पे आएगा, थोड़ी लेट भी चल रही है 15 मिनट। चलिए फिर मिलते हैं रत्नागिरी, और रास्ते में अगर कोई नज़ारा आएगा तो उसको जरूर दिखाएंगे, जरूर कवर करेंगे। तो कोंकण रेलवे नज़ारों से बड़ा बड़ा कुदरती नज़ारे फुल ऑफ। ब्रेकफास्ट आ चुका है हमको, एक इसमें ब्रेड मिली है और एक वेरका का पाउडर मिल्क और वाग बकरी बॉय असाम टी और एक टमाटो केचप और एक वेरका बटर और एक मानिया का मैंगो ड्रिंक, और हमने नॉन वेज ऑर्डर किया इसमें ऑमलेट। चलिए अब मैं आपको टेस्ट बताता हूँ इसके बाद खाने के बाद। रेलवे में गुफा आ चुकी है, ये देखिए देरा छाया हुआ है, काफ़ी बड़ी गुफा लगती है ये। गैस देखिए चल रही है गुफा, अभी भी ख़त्म नहीं हुई, गुफा में लाइटें भी चल रही हैं। काफी बड़ी गुफा लग रही है ये। कई गुफाएं इस रास्ते में 6-6, 7-7 किलोमीटर भी लंबी है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा अगर कोई मिले मुझे। गाइस देखिए ये काफी बड़ी गुफा लग रही है, ये चली जा रही है अभी भी। गाइस मुझे लगता है ये भी 3-4 किलोमीटर की गुफा है, ट्रेन की स्पीड भी काफ़ी है लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं हो रही। गाइस देखिए ये ख़त्म तो हो नहीं रही, कौन कर रेलवे तो यही तो जा रहे हैं। गुफा एक और, वैसे तो बहुत सारी गुफाएं निकल चुकी हैं लेकिन मैंने आपको बहुत कम गुफाएं ही दिखाई हैं, नहीं तो व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको पार्ट 3 में भी डिवाइड करना पड़ सकता था। ये देखिए बाहर आ जाए हम इस, वो देखिए पहाड़, बहुत ही अच्छा व्यू चल रहा है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, मानसून के कारण ग्रीनरी बहुत अच्छी है। आप अगर कोंकण गए सफ़र करना चाहते हो तो आप सिर्फ ही मानसून में ही आओ, जून से जुलाई तक, बहुत ही अच्छा है ये कोंकण रेलवे। एक और गुफा आ चुकी है, देखिए कितनी गुफाएं हैं, दोबारा बंद हो चुकी है। गाइस मैं कोंकण रेलवे के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ट्रैक है ये 756 किलोमीटर लंबा है, ये रोहा महाराष्ट्र से शुरू होकर ठोकर मैंगलोर के नियर ये ख़त्म होता है। पहली जो रेल थी वो उदपी से लेके ठोकर मैंगलोर तक चली थी, वो 20 मार्च 1993 में चली थी। जब ये पूरा ट्रैक कंप्लीट हुआ तो पहली ट्रेन 26 जनवरी 1998 में यहाँ से चली थी, जो रोहा से जो ठोकर तक जो स्ट्रेच बना है कोंकण रेलवे, ये बहुत ही मुश्किल से बना था, इंजीनियरिंग का ये कमाल का नमूना है। अब यही इंजीनियर हमारे जो हैं वो श्रीनगर को बनिहाल से, श्रीनगर पहले जुड़ा है, अब बनिहाल से माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में वही इंजीनियर इस स्ट्रेच को बना रहे हैं। इस रास्ते में 91 टनल्स पड़ती हैं, कुछ टनल्स 5-6 किलोमीटर लंबी हुई हैं। अभी भी चल रहा है इधर पहाड़, देखिए बहुत ही अच्छा पहाड़ है, थोड़ा ऊंचा सा पहाड़, और इधर भी पहाड़ आ चुके हैं गाइस, ये देखिए ये कोंकण के नज़ारे चल रहे हैं। बीच बीच में बारिश भी शुरू हो जाती है और बंद हो जाती है,
और पहाड़ आ जाते हैं और हमारी ट्रेन निकल खड़ जाती है और स्टेशन आ जाते हैं, रुकी जाती है। अब रत्नागिरी ही आएगा सीधा, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं खेत हरे हरे। ये नदी जा रही है, बहुत ही अच्छा है कौन-कौन रेलवे। दोपहर का लंच आ चुका है, इसमें एक दही है और एक ये चपाती, और मैं नॉन वेज ऑर्डर किया है तो इसमें दाल है, तो इसमें चिकन है, इसमें राइस है, और एक हमको मिक्स्ड पिकल मिला है और एक स्पून। चलिए आपको खोल के दिखाते हैं इसको। गाइस हमारी ट्रेन रत्नागिरी पहुंच चुकी है, ये बस 20 मिनट लेट है, यहाँ पे इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। डिपार्चर रत्नागिरी से, डिपार्चर हो रहा है रत्नागिरी से, आप इसको देखें। चलिए अब हम आपसे पलवेर मिलेंगे और बीच में जो कॉटकर के नज़ारे आएंगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। गैस टनल जो 7 किलोमीटर है, अब देखिए 7 किलोमीटर गुफा ही गुफा। कहीं देखिए गुफा चल चुकी है, अब लगे खत्म होगी 10 मिनट। बहुत ही बड़ी गुफा है ये, इस गुफा ही चल रही है अभी भी। ये देखिए कितनी अच्छी बड़ी गुफा है और बड़ी गई। और अब हमारा स्टॉप पलवेल आएगा, शाम के 6 बजे आएगा। अभी बजे 1:40। देखिए गाइस ये गुफा खत्म ही नहीं हो रही है। गाइस देखिए 5 मिनट से भी ऊपर हो चुकी है गुफा, अभी भी चालू है, ये खत्म ही नहीं हो रही है हमारी गुफा। बहुत ही बड़ी गुफा है ये, गाइस देखिए बस थोड़ी थोड़ी लाइटें आ रही है गुफा के अंदर। अभी भी टनल ये खत्म नहीं हो चुका हुआ है, ये 10 मिनट हो चुके हैं, ये बोके से चला है टनल लेकिन अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। ये देखिए अभी भी चल रहा है, बहुत ही बड़ा टनल है ये। पता नहीं कब खत्म होगा ये, तेज बाहर आ चुके हैं। गाइस देखिए व्यू, गाइस ये देखिए पानी नीचे, वाओ गाइस अब व्यू अच्छा शुरू हुआ है। गाइस दोबारा टनल आ चुकी है, ये भी बहुत बड़ी टनल है। अब ये इसको देखो आप गाइस, गाइस गुफा से बाहर आ चुके हैं। गाइस ये देखिए नीचे पानी जा रहा है। गाइस एक और गुफा आ चुकी है, फिर टनल के अंदर और ये टनल और आ रहा है।
नीचे आगे फिर टनल आ रहा है एक और। ये ऊंचे पहाड़ है कितने, और एक टनल और। ये टनल से हम बाहर आ रहे हैं, टनल से बाहर आ रहे हैं हम। टोटल 91 टनल है कोंकण रेलवे में। और ये देखो झरना गिर रहा है, ट्रैक पे काम भी चल रहा है। पत्थर गिरने के रोकने के लिए यहाँ पे जाल लगा रखा है, कहीं पत्थर ना नीचे आ जाए। ये स्टेशन आ गया कोंकण रेल उक्षी। शायद ट्रेन यहाँ पे रुकेगी, क्रॉसिंग है क्योंकि सिंगल लाइन होने के कारण ट्रेन को बार बार रुकना पड़ता है। सिंगल लाइन है पर इलेक्ट्रीफाइड है। ये जब्बा गिर रहा है ऊपर से। ये जो झरने और लॉन्गेस्ट टनल आए थे ये उक्षी और बुके, दो छोटे छोटे जो स्टेशन है उन पर ये पड़ते हैं जो गुफाएं आई थी। गाइस एक रिकॉर्ड कर अभी भी चल रहा है। गाइस चारों तरफ पहाड़ ही है और बीच में हम फंसे हुए हैं। गाइस ये एक तरह की वैली है और ये देखिए खेत में काम हो रहा है। गाइस रोहा आ चुका है, यहाँ पे कोंकण रेलवे के एंड है। 725 नंबर गाइस, ये 755 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच था और ये खत्म हो रहा है। रोहा में हो चुका है बस। गाइस खत्म, रोहा गया खत्म। पनवेल आ चुका है, यहाँ पे ये पूरा टाइम आई है, यहाँ पे 5 मिनट रुकेगी और यहाँ से हमारा रात का। गाइस आइए आपको दिखाते हैं सनसेट का, सनसेट का टाइम हो गया। वो देखिए सन जो पहाड़ों के नीचे जा रहा है, बस आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा हो, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। ये मुझे भी थोड़ा थोड़ा सा ही दिख रहा है क्योंकि हमारी ट्रेन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ही अच्छा सनराइज हो रहा है। ये मौसम ख़राब हो गया है और बारिश भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है और यहाँ पे रोड में काम चल रहा है। गाइस पहाड़ियाँ चल रही हैं और मौसम खराब हो रहा है। ये मुंबई का घाट एरिया है। गाइस अगर ऐसे बारिश के मौसम में चाय के साथ पकौड़ा हो जाए तो मजा आ जाएगा। गाइस हमारी ट्रेन पर सही रोड आ चुकी है, यहाँ पे ये 2 मिनट लेट आई है, यहाँ पे 5 मिनट रुकेगी। सही रोड दिखा है। कैसे मुंबई का स्टॉपेज है और इसके आगे नाला सुपर आएगा, वहाँ पे इसका स्टॉप नहीं है। कैसे ले अंदर चलते हैं। अब ये वसई रोड से डिपार्चर हो रहा है, टाइम राइट टेन जो है पूरे राइट टाइम पे चल रही है। फिर ट्रेन रुक रही है, लगता है कोई पैसेंजर छूट गया है नीचे या फिर कोई पैसेंजर आया जो उसमें चढ़ना चाह रहा है। गाइस
अब रात हो चुकी है, हम सोने लगे हैं। हमारा डिनर आया था वो बहुत ही अच्छा था, मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया था। मैं सीधा आपको सुबह मिलूँगा 7 बजे के करीब, मैं आपको मिलूँगा कोटा जंक्शन पे, उसके आगे सीधा कोटा के गोदान न्यू दिल्ली, इसका काफ़ी बड़ा रन है, वहाँ हम आपसे मिलेंगे। दिल्ली हमारा आखिरी स्टॉप है, वहाँ से हमने उतर जाना, बस सुबह का ब्रेकफास्ट रह गया है। चलिए अब हमने अपना बिस्तरा तो लगा लिया है, ये भी बिछा लिया और चद्दर भी और पिलो भी, और अब सो रहे हैं। चलिए मिलते हैं सुबह। कोटा जंक्शन पे आ चुके हैं, ये गाड़ी जहाँ पे 25 मिनट की मेड लेट आई है, अब ये कोटा के पास सीधी हजरत निजामुद्दीन में रुकेगी। कोटा जो जंक्शन है वो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हो गए हैं जो इंजीनियरिंग वगैरह बच्चों की तैयारी करवाते हैं, इस कारण जो भी ट्रेन इस रूट पे आती है वो इस पे यहाँ पे स्टॉप जरूर करती है। यहाँ पे इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है, 1 कोटा से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है, अब ये सीधे हजरत निजामुद्दीन रुकेगी। ये अब 5.5 घंटे का नॉन स्टॉप रन होगा। चलो फिर हम आपको हजरत निजामुद्दीन ही मिलते हैं। कोटा, ये हमारा कोटा जंक्शन से डिपार्चर हो रहा है। गाइस मथुरा जंक्शन स्किप हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी धीरे चल रही है हमारी ट्रेन, ये देखिए अब स्पीड बढ़ा रही है हम। गाइस बस कुछ ही घंटों में हजरत निजामुद्दीन पहुँच जाएंगे। हमको सुबह ब्रेकफास्ट भी सर्व किया गया था, उसमें हमने कटलेट लिया था, हमको अच्छा लगा, वो ठीक था। मैं उसमें 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा बीच में गोली सी थी, मुझे पता नहीं क्या था, वो मुझे स्वाद नहीं लगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे हजरत निजामुद्दीन। गाइस हमारी ट्रेन दिल्ली पहुंचने वाली है, बस 10 मिनट लगेंगे, थोड़ी लेट है 20 मिनट। चलिए अब आपसे हजरत निजामुद्दीन मिलते हैं। हजरत निजामुद्दीन आ चुका है, ये इसने हमको 45 मिनट लेट पहुँचाया है। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं, गए जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बाय।